की जो निकासी है वो बेहतर है 500 से 551 रुपया तक। नमस्कार, मैं हूँ आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं समाज की नजर। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत आने वाला कोल्ड स्टोर सीएल यादव सीध गिरह कोल्ड स्टोर ठटिया में, और हमारे साथ मालिक साहब भी मौजूद हैं और जो व्यापारी हैं अनुभवी व्यापारी वो लोग मौजूद हैं। हालांकि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि कोल्ड की जो निकासी है वो बेहतर है, कुल मिला के अच्छी है, और सारी डाटा जानने के लिए कोल्ड की क्या अपडेट है और क्षेत्र का क्या अपडेट है उस सब बातों के मुद्दों पे बातें करने के लिए हमारे साथ कोल्ड के मालिक स्वयं मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और क्या कैसी निकासी है, आलू के भाव क्या चल रहा है और सारे मतलब जितनी भी अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। सर, सबसे पहले चैनल पे हमारा स्वागत है आपका। थैंक यू भैया। क्या नाम है सर, अपना नाम बताइए। राधा कृष्ण यादव। सर, जानना चाहेंगे सर कोल्ड स्टोर की जो निकासी है कितनी हो चुकी है अभी? अभी तक लगभग 25,000 पैकेट निकला है। 25,000। अच्छा, जो निकासी है मतलब स्टार्टिंग में तो लो रही होगी, लेकिन हाँ मतलब एवरेज अगर इसका मान के चलेंगे तो अब एवरेज बढ़ गया होगा कुल मिलाकर। अब बढ़ गया है, पिछली की अपेक्षा पीछे चल रहे थे, अब लगभग समानता बराबर हो गई है। बराबर हो गई है। अच्छा, आप अगर प्रेजेंट टाइम का अगर मान के चले तो एक दिन में कितना निकल जाता है? 1,000-1,500 पैकेट पर डे निकल रहा है। निकल रहा है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे सर अपने यहाँ सबसे अच्छा जो आलू जो बिक रहा है अभी वो कौन सा आलू है और किस रेट में बिक रहा है? सबसे अच्छा एक नंबर चिप्सोना, सुपर चिप्सोना बिक रहा है 500 से 551 रुपया तक। 551। अच्छा, हाईलैंड आलू सर अपने यहाँ सेकंड नंबर पे आता है क्या? हाँ, सेकंड नंबर पे। क्या उसका क्या भाव है? 451 रुपया तक है, 400 से 451। 451 रुपये जी। अच्छा, इससे पहले कुछ एक दो दिन पहले डाउन रेट था क्या, जैसे कि जो तालीग्राम क्षेत्र में? दो चार दिन पहले डाउन था, 400 समथिंग चल रहा था, 400। अच्छा, जो करंट देखने को मिला है भाव में वो बारिश से आया है, बारिश होने से मौसम के हिसाब से आया। अच्छा, तो सर हम जानना और चाहेंगे कि मतलब जो सेकंड थर्ड क्वालिटी के जो आलू आते हैं जैसे नॉर्मल हाइब्रिड जिसको बोलते हैं, वो भी अब सुधार हुआ है, उसमें भी 50 से 70-75 रुपया, 300-350 रुपये पोजीशन आ गया। सादा सफेद जो है वो भी? हाँ, वैसे यही रेट। अच्छा, ज्यादातर अभी जो निकासी हो रही है वो बाहर जाने वाला आलू है या फिर लोकल में किसान लोग भी निकाल के ले जा रहे हैं? सिर्फ चिप्सोना लोकल जाता है, ये नखलऊ वखलऊ और लाल आलू सब हाइब्रिड सिंदूरी ये सब बिहार जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। किसानों की जानकारी के लिए सर हम एक बात और पूछना चाहेंगे कि सर जो लोकल वाला जो आलू है मतलब जो अपने यहाँ किसान कच्ची फसल करता है उसकी निकासी कब से स्टार्ट हो जाएगी? अक्टूबर से, सितंबर से अक्टूबर से, सितंबर या ज्यादा एडवांस नहीं करता है, सितंबर 15-20 सितंबर से निकासी शुरू होती है। तो सर अपने यहाँ अगर अच्छा अपने यहाँ जो शुगर फ्री वाला आलू है वो भी है? हाँ हाँ, चैम्बर है, ऊर्जा ऊर्जा। अच्छा, शुगर फ्री का अलग रहता है क्या? हाँ, उसी का रेट है 551। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस प्रकार से आपने देखा हमने ज्यादा जानकारी जान ली है मालिक जो कोल्ड स्टोर के थे उनसे, अब हम बात करते हैं कुछ व्यापारी से जो अनुभवी व्यापारी यहाँ के रहे जिनका रोल रहता है यहाँ की जो आलू निकासी है उसमें ज्यादातर ये लोग भूमिका निभाते हैं। सर अपना क्या नाम है? इस्लाम, मोहम्मद इस्लाम। अच्छा सर, आप अभी तक आज कुछ आलू लिया आपने? आज तो अभी नहीं लिया, कल लिया था। कल लिया था, क्या रेट का लिया था? 531-551 चिप्सोना है और 421-441 तक हॉलैंड है और 311 तक हाइब्रिड लिया है। तो ये आलू निकासी आप लोकल में कर रहे हैं या फिर बाहर? नहीं नहीं, बाहर जाता है, पटना है, बेतिया है और इनरवा है, यही सब जाता है मंडी में। अच्छा, बाहर जो आलू है जैसे पटना में मान के चले अगर हम, तो पटना में किस कौन से आलू का सबसे ज्यादा डिमांड रहता है? सिंदूरी और सफेद, हाइब्रिड और सिंदूरी। अच्छा, अगर हम आप जैसे जाते रहते हैं बाहर और आलू का भेजने का भी कार्य आपका रहता है, जानना चाहेंगे आलू के कुछ आगे भविष्य में, हालांकि बताया नहीं जा सकता है लेकिन अपना अनुभव आप साझा कर सकते हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस होता है? निकल जाएगा आलू मौसम के हिसाब से, कटाई बारिश धीरे धीरे लाइन पे, मौसम खराब हुई, कुछ सब्जियां मारी गई इसलिए आलू की खपत बढ़ गई, तो जो पिछला बैलेंस था वो धीरे धीरे कवर हो जाएगा। सर, किसानों को कुछ संदेश देना चाहेंगे ऐसे में? किसानों को बेचना चाहिए, एक बार ना बेचे, 2-3 बार में आलू को बेच लेना थोड़ा, चाहिए थोड़ा थोड़ा करके, पूरा आलू रोकना अच्छा नहीं है, भाव एक समानता एक से कभी नहीं रहता है आलू का, ना एक साथ आलू निकल सकता है, फिर बीजा की निकासी हो जाती है, किसानों का आलू निकलता है, व्यापारी नहीं निकल पाता। और भी हमारे साथ व्यापारी साहब मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? ये कटियार। अच्छा, आप अनुभवी व्यापारी हैं, जाने जाते हैं, तो क्या सर लगता है आगे आने वाले समय में क्या मतलब आलू का क्या कैसा भविष्य लग रहा है आपको? भविष्य चिप्सोना का सही रहेगा। चिप्सोना का? अच्छा, उसका कारण क्या है? उसका कारण चिप्सोना कम है। चिप्सोना कम है लेकिन अच्छा क्षेत्रों में कम है ना। अच्छा, चिप्सोना का कोई सर्कल है मतलब अपने यहाँ सिर्फ होता है क्या ऐसे? नहीं, कन्नौज जिले में तो होता ही है,
कमालगंज में होता था वहाँ 50% कम है। अच्छा, आप भी आलू खरीदने का कार्य किया? अभी सिर्फ सोना ही लेते हैं। आप सिर्फ सोना लेते हैं, स्पेशल है, सिर्फ सोना स्पेशल। तो ये कुछ आज की अपडेट थी जो सीएल यादव शीतगृह कोल्ड स्टोर से हमने आज का जो भाव है उसके बारे में बताया। और क्षेत्र में क्या मतलब जो एक्टिविटी है, जो इस समय आलू का क्या भाव चल रहा है, कितनी निकासी हो रही है, उन सब मुद्दों पे आज हमने बात की है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें।